पाकिस्तान की सरबराही में तीन रुकनी बेंच छुट्टी के रोज भी समाप्त कर रहा है। जेआईटी के सरबराह ने कहा कि कुछ हकायक सबके सामने नहीं बता सकते, इनकी दरख्वास्त पर केस की समाप्त चैम्बर में की जा रही है। इससे पहले मुश्तरका तहकीकती टीम के सरबराह आरपीओ मुल्तान मोहम्मद इदरीस ने बताया कि ज्यादती के 8 वाकयात 3 थानों की हदूद में पेश आए। 800 मुश्तबा अफराद के डीएनए टेस्ट कराए, लेकिन 8 नमूनों को मुश्तबा पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का एहसास किया। अदालत ने कहा कि आप सिर्फ एक रुख पर तफ्तीश कर रहे हैं, पुलिस के बाद तफ्तीश के मजीद तरीके भी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात भी इस हवाले से जानी गए, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ शेब अली। शेब अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आपकी समाचार। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज जैनब कत्ल केस की तफ्तीश पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और इस मौके पर अदालत ने ये रिमार्क दिए हैं कि हम जानते हैं कि पुलिस अपना रवायती तरीका इस्तेमाल करे तो मुलजिम तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादा के 8 मुकदमात के जो हालात और वाकियात हैं वो इस तरह हैं, तो इस रुख पर तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही।